हेलो सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के स्वयं से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ रोहित वर्मा और ये जो हमारी सीरीज चल रही है अभी इनपुट डिवाइस की सीरीज चल रही है। इनपुट डिवाइस में हम लोगों ने कई सारी कैटेगरी पढ़ रखा है इसके पिछले वीडियो पर। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा। आज की हमारी जो कैटेगरी है इनपुट डिवाइस की, वो है ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस। ठीक है, कौन सी डिवाइस? ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस, यानी आज हम ऐसे इनपुट डिवाइस की बात करना चाहते हैं जो या तो किसी ऑडियो को इनपुट करेगा या फिर किसी विजुअल चीज़ें, ठीक है, दृश्य चीज़ों को इनपुट करता करने का काम करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जनरली हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो ये आपका हो जाता है वेब कैम, ठीक है, एक आप हम पढ़ेंगे यहाँ पर वेब कैम, या फिर हम इसको डिजिटल कैमरा में भी पढ़ सकते हैं। सेकेंड आपका क्या है, तो ये है माइक, जिसे हम माइक्रोफोन भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक होगा ऑडियो विजुअल में, वो हम आज पढ़ने वाले हैं माइक के बारे में, यानी कि माइक्रोफोन के बारे में। तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोफोन का इमेज कुछ यहाँ पर है। देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमने जनरली दो टाइप के माइक्रोफोन देखा है। इनको अभी आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। पहले तो आप ये बताइए, देखे हैं कि नहीं? अगर देखे हैं तो इनका काम क्या होता है, ये देखिए। जैसे ये वाला माइक जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये माइक और ये जो सेकंड वाला माइक है, ये मेरी कॉलर पर भी है। देखिए, इसको बोलते हैं कॉलर माइक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलर माइक। मैं जो भी आवाज़ बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको आप सुन पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसे सुन पा रहे हैं? तो जो माइक होता है, माइक का काम क्या होता है? ऑडियो इनपुट करना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन को हम एक तो ऑडियो इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा डिवाइस? ऑडियो इनपुट डिवाइस। इसका काम क्या होता है? ऑडियो को इनपुट करना, साउंड को इनपुट करना। जब हम बातचीत करते हैं, हम कुछ भी बात बोलते हैं, कुछ भी बात बोलते हैं, यानी जो भी हमारी ध्वनि है, ठीक है, जो भी हमारी ध्वनि है उसको डिजिटल, ठीक है, उसको डिजिटली रूप में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? तो माइक का काम होता है। ठीक है, यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ध्वनि ऊर्जा को, सीधे समझिएगा, मैं यहाँ पर कई बार प्रश्न आया है कि ध्वनि ऊर्जा को डिजिटल ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो माइक का प्रयोग होता है। ठीक है, माइक क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को डिजिटल ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि हम जो भी बात कर रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं, हमारी जो भी वॉइस है, जो भी हमारी साउंड है, इस साउंड को इनपुट करने के लिए, इस साउंड को इनपुट करने के लिए कंप्यूटर को देने के लिए एक इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जिस इनपुट डिवाइस को हम माइक बोलते हैं। अब यहाँ पर माइक के कुछ इमेज आप देख सकते हैं कि ये वाला माइक, इसको सिंगर लोग जनरली यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो राइट साइड आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलर माइक। इसको जैसे यहाँ पर मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये माइक मैं यहाँ पर कॉलर पर यहाँ पर ऐसे लगा लेता हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ वो आप कंप्यूटर पर इनपुट होता है। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये कहाँ होता है इनपुट? कंप्यूटर पर। फिर कंप्यूटर से प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है स्पीकर पर। स्पीकर हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं जो बोल रहा हूँ इसको कंप्यूटर पर जाने के लिए माइक का प्रयोग होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर पर माइक का प्रयोग अच्छे से करने के लिए, कंप्यूटर पर माइक का प्रयोग अच्छे से करने के लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर पर क्या होना चाहिए? साउंड कार्ड होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक बात को? कंप्यूटर पर साउंड कार्ड होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से एक और तकनीक हमें माइक की सहायता से देखने को मिलती है। एक और तकनीक क्या है? हमने कई बार देखा होगा आप लोगों ने वॉइस रिकॉग्निशन। ये सुना नहीं होगा, मतलब ये इस नाम से भले ही आप परिचित ना हो, लेकिन इसके काम से जरूर परिचित होंगे। जब भी आप मोबाइल पर कुछ भी मैसेज टाइप करना होता है, ठीक है, या गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, जैसे यूट्यूब पर भी आप वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरा कोई भी टॉपिक उठा लीजिएगा, जैसे कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड जैसे मैंने पढ़ाया है, तो आपको कीबोर्ड बाय रोहित वर्मा सर्च करना है। ठीक है, अब कीबोर्ड बाय रोहित वर्मा ये आपको सर्च करना है। तो या तो आप टाइप करके सर्च करेंगे, या फिर आपको इस प्रकार से एक माइक का सिंबल देखने को मिल जाता है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप बोल कर भी डाटा को इनपुट कर सकते हैं। तो जो वॉइस रिकॉग्निशन है, वो माइक के माध्यम से चलने वाली एक नई तकनीक है। इसमें क्या होता है, हम डेटा को बोल करके इनपुट कर सकते हैं। डेटा को हम बोल करके इनपुट कर सकते हैं, हम जो भी डाटा बोलेंगे, ठीक है, हम जो भी डाटा बोल रहे हैं, जो भी साउंड बोल रहे हैं, कंप्यूटर उस साउंड को एक्सेप्ट करता है माइक के माध्यम से, उस पर प्रोसेस करता है। उस साउंड के समतुल्य अगर कोई कैरेक्टर है तो उसको कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ गए? लेकिन लेकिन इसकी एक कमी है। कमी क्या है? वॉइस रिकॉग्निशन का जब भी हम प्रयोग करेंगे, उस टाइम पर वातावरण जो है वहाँ पास का
ठीक है, वातावरण क्या है, शांत होना चाहिए, यानी शोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हम जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, वातावरण शांत होनी चाहिए और हम जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक बात? किसी कोई समस्या परेशानी हो तो कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। यहाँ पर किसी कोई समस्या कोई परेशानी हो तो कमेंट करेंगे, नहीं फिर हम बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक की ओर। और आगे अब हम देखते हैं यहाँ पर डिजिटल कैमरा, यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, डिजिटल कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, वो हम यहाँ पर वेब कैम के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। वेब कैम में क्या होता है, वेब कैम के माध्यम से हम किसी भी दृश्य को जो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं, जैसे मेरे आसपास का जो भी वातावरण है, जो भी माहौल है, इसको मैं, ठीक है, इस विजुअल को, इस दृश्य को मैं डायरेक्ट इनपुट कर सकता हूँ, ठीक है, इस दृश्य को मैं डायरेक्ट इनपुट कर सकता हूँ कंप्यूटर पर। लेकिन जब दृश्य को इनपुट किया जाता है, ठीक है, विजुअल चीज़ों को इनपुट किया जाता है, किसी चलचित्र को इनपुट किया जाता है, तो वहाँ पर इसके लिए हम किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो वेब कैम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप मेरे को देख सकते हैं, अभी यहाँ पर मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे हाथ में ये स्टाइलस है, यहाँ पर कापी किताब बहुत सारी चीज़ें रखी है, मेरे पीछे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। तो जो भी यहाँ पर विजुअल है, ठीक है, जो भी यहाँ पर दृश्य है, इस दृश्य को हम डायरेक्ट इनपुट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। लेकिन ये किसके माध्यम से हम कर रहे हैं, तो हम ये वेब कैम के माध्यम से क्या कर रहे हैं, कैमरा के माध्यम से कर रहे हैं। किसके माध्यम से, कैमरा के माध्यम से कर रहे हैं। अब इंटरनेट पर प्रयोग करने के लिए छोटा सा वेब कैम का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पर आप इस इमेज पर देख सकते हैं, इसका प्रयोग हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं। ये केवल, ये क्या करता है, केवल हमारे डेटा को, जो जैसे जो भी हमारा दृश्य है उसको इनपुट करता है, उसको क्या करेगा, इनपुट करेगा। बाकी प्रोसेस करने का काम, डिस्प्ले करने का काम, ये सब कंप्यूटर करता है, कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस के आधार पर मॉनिटर पर डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और इमेज मैंने यहाँ पर लगा रखा है, ये है डिजिटल कैमरा का। डिजिटल कैमरा एक छोटी सी मोबाइल टाइप मोबाइल डिवाइस होती है, इसमें क्या होता है, इसमें तो डेटा को हम इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारा दृश्य है उसे हम इनपुट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटल कैमरा जो है इस दृश्य को स्टोर भी कर सकता है, और इस डिजिटल कैमरा में एक छोटी सी स्क्रीन होती है जहाँ पर हम उसका आउटपुट या रिजल्ट भी देख सकते हैं, जो भी दृश्य हमने इनपुट किया है, जो भी दृश्य हमने कैप्चर किया है अपने कैमरा के माध्यम से, ठीक है। तो ये हुई वेब कैमरा और डिजिटल कैमरा, ठीक है, वेब कैम या डिजिटल कैम, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने ऑडियो विजुअल डिवाइस के बारे में समझा, हमने ये जाना कि ऑडियो विजुअल डिवाइस क्या होती हैं, यानी ऐसी डिवाइस हैं ऑडियो में जिसके माध्यम से हम किसी भी साउंड को इनपुट करते हैं, ऑडियो डिवाइस कहलाती हैं। ऐसी डिवाइस हैं जिनके माध्यम से हम किसी विजुअल, किसी दृश्य, किसी चलचित्र को हम स्टोर करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल कैमरा या वेब कैम। ऑडियो विजुअल में हमने माइक पढ़ा, और सॉरी ऑडियो में, ऑडियो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हमने माइक पढ़ा, और विजुअल इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हमने वेब कैम या कैमरा पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारा जो सीरीज चल रहा था अभी इनपुट डिवाइस का, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों ने सभी इनपुट डिवाइस नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक दी गई है इनपुट डिवाइस की, उसको आप जा करके कैटेगरी वाइज पढ़ सकते हैं, अपने नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगामी जो हमारी टॉपिक होगी वो आउटपुट डिवाइस को की होगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा अच्छी लग रही है दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और इसी प्रकार की डेली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या, जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक जानकारी, बहुत जल्द मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।